अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको लेके जाएंगे ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस, और किस तरीके से और किस स्टेशन से और कैसे जाना है, तो आइए देखते हैं उबे के साथ। थैंक यू, हमारे साथ रहिएगा। डॉर्मेट्री से हम सबवे स्टेशन तक यानी ग्वांगू तक हम जाएंगे बाइक पे, तो हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे हम मेन गेट पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम सबवे तक जाएंगे बाइक पे, तो वहाँ पे फिर हम सबवे स्टेशन से जाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, अब हम सबवे स्टेशन यानी ऑप्टिक्स वैली स्टेशन ग्वांगू पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम बैठेंगे लाइन 2। यहाँ पे हमने एंटर होना है बी एग्जिट से। तो जी गाइस, अभी हम मौजूद हैं मेट्रो स्टेशन में, और मेट्रो स्टेशन से आप तीन तरीक़ों से यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल में इसका जो ऐप होता है मेट्रो का, अगर ये हो तो आप इसके ज़रिए भी जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप मेट्रो का अपना जो कार्ड होता है उससे भी आप अंदर दाखिल हो सकते हैं, और तीसरा जो है आप यहाँ से एक कॉइन सा मिलता है, एक टिकट सा मिलता है, आप उससे भी मेट्रो में जा सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं। तो जी गाइस, अभी हम मौजूद हैं ऑप्टिक वैली स्क्वायर, जिसे चाइनीज़ में ग्वांगू ग्वांगचांग भी कहा जाता है, और यहाँ से हमने जाना है वुहान डोंग, जो कि तकरीबन 5 स्टेशन के बाद आता है, और यहाँ पर हम वहाँ से हमने लाइन 11 में जाना है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वुहान डोंग सबवे स्टेशन पे। यहाँ पे हम लाइन 2 से लाइन 11 में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और यहाँ से हम जाके वेलाई 3rd रोड पे उतरेंगे। तो जी गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं लाइन 11 विलाई सन लो विलाई 3rd रोड, और यहां से हमने बी एग्जिट जाना है।
तो जी नाजरीन, जब आप वेलाई थर्ड रोड पे सबवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आप बी एग्जिट से बाहर आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे मुड़ना होगा। वहाँ पे आपको सब बस स्टेशन का एक ब्लू कलर का बोर्ड दिखाई देगा, यहाँ से हर 15 मिनट के बाद आपको यूनिवर्सिटी की बस मिल जाएगी। इसके अलावा आप नॉर्मल ट्रांसपोर्ट 359 बस में भी जा सकते हैं। तो जी गाइज, हम अभी पहुंच चुके हैं न्यू सिटी कैंपस, न्यू प्योचर सिटी कैंपस, और ये आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ देने के लिए।